हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज़, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के ऊपर बात। तो गाइज़, बारिश का मौसम चल रहा है और आप सबने ये नोटिस करा होगा कि हम लोग के जो डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियाँ हैं स्पेशली, अब अगर आप इसमें तो अभी ब्रेक गियर है तो ये देखिए, तो ये जो पहिए होते हैं ये जाम होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसको मैकेनिक के यहाँ लेके जाते हैं और इसको खुलवाते हैं। कभी मैकेनिक आपसे कहता है कि हम कुछ चेंज करेंगे, कभी कहता है कि इसको क्लीनिंग करनी है और उसके नाम पे हमसे काफ़ी पैसे अक्सर लोग ले लेते हैं। तो आइए आज इसके ऊपर करेंगे एक पूरी डिटेल्ड बात और जानेंगे कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है और इसका घर में क्या सल्यूशन है जो आप कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आइए, बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब सबसे पहले समझिए कि ये पहिए जो आपके होते हैं गाड़ी में, स्पेशली मीटियोर में, तो ये जाम क्यों होते हैं। जब हमारे इन पहियों में इसके अंदर पानी जाता है तो इसके अंदर जो डिस्क ब्रेक्स होते हैं वो सेरेमिक और लेदर का मिक्सचर होते हैं। यहाँ पे होते हैं डिस्क ब्रेक्स, ये देखिए आपको दिखाऊंगा मैं। विवेक, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ लेके आइए। तो यहाँ पे ये जो डिस्क ब्रेक्स हैं इधर और इधर, ये क्या होता है गाइस कि ये पानी लगने की वजह से फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पहिया जाम होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप ये देखिए, जैसे अभी मैं तो गाड़ी नहीं निकाली है तो ये देखिए मेरा बिल्कुल फ्री चल रहा है, लेकिन आपके लिए एक आइडियल सल्यूशन हम लेके भी आए हैं। आ चुके हैं हम आपके पास एक आइडियल सल्यूशन लेके। तो गाड़ी अचानक से स्विच हो गई तो आप लोग प्लीज़ सरप्राइज़ मत होइएगा, बट ये हमने जानबूझ के इसलिए ऐसा किया है क्योंकि मैं उसमें आपको वो प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता था। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये वही गाड़ी है। ये मेरी सबसे पहली बाइक हुआ करती थी जो कि मेरे पास बहुत सालों से है। अब इसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि इसको भी दोबारा से रिकंडीशन कराएंगे। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसको रिकंडीशन करा के ब्रांड न्यू बनाना चाहिए या इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो आपके कमेंट्स के हिसाब से इस गाड़ी की किस्मत को डिसाइड करेंगे। वैसे मैं इस गाड़ी को कभी बेचूंगा नहीं, बट स्टिल अगर आप लोग कहेंगे कि इसको रिकंडीशन कराओ तो हम इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाएंगे और उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो अब आप ये समझिए, ये देखिए ये गाड़ी बरसातों में पानी में चली है। अब आप ये देखिए इसका, ये देखिए कितना ज़्यादा जाम है। अब ऐसा क्यों हुआ है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। इसके जो ये डिस्क पैड हैं, ये देखिए ये जो डिस्क पैड हैं इसमें एक इधर और एक ये इधर, ये पानी में गए और ये पानी में जाने के बाद ये स्वेल आउट हो गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो गई। अब आइडियली अगर आप कंपनी में लेके जाओगे तो कंपनी में बंदा आपको कहेगा कि जी सर मुझे तो ये डिस्क पैड खोलने पड़ेंगे, इसको खोलने का खर्चा, उसके बाद देखेंगे कि ये पैड चलने लायक हैं या ये नहीं चलने लायक हैं, और बहुत सारे खर्चे हैं आपके जो वो आपको बताएगा। सॉल्यूशन दे दूंगा, इस सॉल्यूशन है ये। अब इस हथौड़े से क्या सॉल्यूशन करना है, करना कुछ नहीं है सर, सिर्फ ये हथौड़ा लीजिए और प्यार से यहाँ पे लेके जाइए ये डिस्क के बीच में, और ये ऐसे 1 2 3 बार ये हथौड़ा मार दीजिए और अब आप टायर देख लीजिए। आई गेस मैंने आपको सल्यूशन दे दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बीच में लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होता है गाइस कि ये जो आपका मास्टर सिलेंडर होता है इसके पीछे एक प्रेशर होता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसके पीछे एक डिस्क पैड्स को प्रेस करने वाली एक प्लेट होती है। तो होता क्या है कि उस प्लेट के ऊपर जो है आपका ये कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्लेट आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो जब आप कंपनी में या कहीं भी लेके जाते हैं अपनी इस गाड़ी को तो कंपनी वाला आपसे कहता है कि जी ये तो पूरा डिस्क खोलना पड़ेगा, डिस्क पैड बदलने पड़ेंगे। एंड ये सिर्फ करिश्मा के लिए नहीं है, ये रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के लिए है। लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी में ब्रेक्स जैम नहीं थे तो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पा रहा था। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही हमसे पूछा था ये बात कि प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि ये ऐसे कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। सो गाइस, सिंपली जब आपकी गाड़ी सूख जाए हथौड़ा लीजिए, तीन हथौड़े बहुत प्यार से मारने हैं गाइस, ज़ोर से बिल्कुल नहीं मारने हैं। 1 2 3 हथौड़े मार दीजिए। आपके जो डिस्क के अंदर की गंदगी है ये देखिए गाइस बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब आपकी गाड़ी में ये पहिया आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। इसके बाद अब आप इसको वॉश कर लीजिए और सूख जाने दीजिए। तो आइए चलिए आपको आगे का भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमने वैसे कोशिश की थी कि आगे वाला पहिया भी लॉक हो, लेकिन अगर ये पानी में शायद ज़्यादा जा नहीं पाया है, लेकिन मैं अभी चेक ज़रूर करता हूँ। तो इस पहिए को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। ये देखिए हल्का सा पहिया, इसका भी जाम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मुझे उठाना है। 1 2 3 दैट्स इट। अब ये तीन पहिए, तीन हथौड़े इसमें मारने के बाद अब आप गाइस देखिए पहिए में जैमनेस नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। तो गाइस ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जिस तरह से हम लोगों को सर्विस सेंटर्स में या कहीं पे भी जा कर के लोकल मैकेनिक्स आपको गलत सजेशन देते हैं कि जी ये तो डिस्क ख़राब हो गया या तो ये आपके पैड्स ख़राब हो गए, तो इस तरीके के किसी भी स्कैम से, फ्रॉड से आप बच सकें और आपके पैसे सेव हो सकें। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमने आपको कोई वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम FOAR व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।